हेलो एवरीवन, माय सेल्फ प्रमोद ढाका, टीम फिजिक्स, सीएलसी सीकर। तो डियर, गुरु नीति के इस सेशन में मैं आपके लिए लेकर आया हूं इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन, फ्लूड मैकेनिक्स और विस्कोसिटी के 2013 से 2022 तक के नीट के एग्जाम में आए हुए सारे क्वेश्चंस का सॉल्यूशन, ताकि फिर से हम इन चैप्टर्स में उन पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सके जहां मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आते हैं, किन फॉर्मूलाज पर बेस्ड आते हैं, उनकी हम बात कर सके। तो इलास्टिसिटी, सरफेस टेंशन और फ्लूड मैकेनिक्स, जनरली इन तीन चैप्टर से, फ्लूड मैकेनिक्स मतलब विस्कोसिटी इंक्लूडेड, इन तीन चैप्टर से जनरली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अभी अपन डिस्कस करेंगे तो बात का पता भी चलेगा कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस आर ऑन बेस्ड ऑन फॉर्मूला। तो हमें उन फॉर्मूलाज को बेसिकली आइडेंटिफाई करना है कि कौन कौन से फॉर्मूलाज से क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं। तो चलिए अपन अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर एक की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है द फॉलोइंग फोर वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल, कि चार वायर्स हैं सेम मटेरियल के बने हुए हैं। विच ऑफ दीज विल हैव द लार्जेस्ट एक्सटेंशन व्हेन द सेम टेंशन इज अप्लाइड, जब इन पर सेम टेंशन फोर्स अप्लाई करते हैं तो किस में लार्जेस्ट एक्सपेंशन होगा। देखिए, चलिए सबसे पहले तो इसके रिगार्डिंग अपन थ्योरी की बात करें। मान लो, मैंने कहा जैसे अपन एक वायर इधर से ले लेते हैं फिक्स, और हम इस पर इस डायरेक्शन से कोई फोर्स अप्लाई करते हैं एफ। तो यंग्स मॉडुलस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति से संबंधित है, और यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, जहां डेल्टा एल जो है वो वायर की लेंथ में चेंज है। कि यदि मैं वायर पर कैपिटल एफ फोर्स अप्लाई करूंगा तो वायर में कुछ एक्सटेंशन होगा, तो उसकी जो एक्सटेंशन की वैल्यू है वो मैं डेल्टा एल से लिख रहा हूं। तो यंग्स मॉडुलस का जो फॉर्मूला लिखा जाता है वो लिखा जाता है एफ अपॉन एन ए, डेल्टा एल बाई कैपिटल एल ऊपर गया अपना। तो ये अपने पास यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला आया। पहली चीज तो यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले से बेस्ड, मतलब इस पर कुछ वैल्यूज देके कुछ वैल्यूज पर कैलकुलेशन का क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला। दूसरा, किसी भी वायर के रिगार्डिंग उसमें स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पूछी जाती है, प्रत्यास्थ स्थितिज ऊर्जा। तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी जो मैं लिख रहा हूं ना यू बार, वो पर यूनिट वॉल्यूम प्रति इकाई आयतन है। और इसका फॉर्मूला जो है सबसे बढ़िया, इसको याद रखो, 1/2 इंटू स्ट्रेस प्रतिबल इंटू स्ट्रेन विकृति। जनरली बच्चे क्या इसके कई फॉर्मूलाज कई फॉर्म्स में याद रखते हैं, ये वाला बहुत सिंपल सा 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, ये पर यूनिट वॉल्यूम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अपने पास आ जाती है। ठीक बात है क्या? तो चलिए वापस से अपन अपने क्वेश्चन पे लौटते हैं, और इसमें बोला गया है कि किस में मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो देखिए, फॉर्मूला जो है ना एक्सटेंशन का, यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अपने पास वाई इज इक्वल टू एफ अपॉन ए डेल्टा एल इंटू कैपिटल एल। तो डेल्टा एल को सजा के अपन लिख सकते हैं एफ अपॉन ए वाई इंटू कैपिटल एल। यहां से यदि मैं बात करूं तो डेल्टा एल, देखो फोर्स सेम है, सेम मटेरियल के बने हुए, इसका मतलब यंग्स मॉडुलस भी क्या है, सेम। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल आ गया किसके बेटा, एल बाई एरिया को मैं डायमीटर के बेसिस पर बात करूं तो पाई डी स्क्वायर बाई फोर लिख सकता हूं, मतलब डेल्टा एल जो है वो प्रोपोर्शनल है एल बाई डी स्क्वायर के, सही है। तो जिसमें एल बाई डी स्क्वायर ये वाला रेशियो मैक्सिमम आएगा, उसमें मैक्सिमम एक्सटेंशन होगा। तो यदि मैं जैसे रेशियो लिखूं डेल एल वन रेस टू डेल एल टू रेस टू डेल एल थ्री रेस टू डेल एल फोर, ये वाला डाटा मेरे पास निकल गया, सारा डाटा सेंटीमीटर और एमएम स्क्वायर में, तो टेंशन लेने की बात ही नहीं है, मतलब सेंटीमीटर एमएम स्क्वायर ये डाटा अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, आप तो सीधा सीधा कैपिटल एल बाई डी स्क्वायर के रेशियो की बात कर लो। ये आया 200 डिवाइडेड बाई 4, ये वाला आया मेरे पास 300 डिवाइडेड बाई 9, ये वाला आया मेरे पास 50 डिवाइडेड बाई 1/4, 0.5 एमएम है ना, तो उसको मैंने 1/2 स्क्वायर किया तो 1/4, और ये वाला मेरे पास निकल के आया 100 इज टू 1 का स्क्वायर 1, ये वाला डाटा तो मेरे पास निकल के आ रहा है बेटा 50, ये वाला डाटा मेरे पास निकल के आ रहा है 100/3 बोले तो 33.33, ये वाला डाटा मेरे पास निकल के आ रहा है 200, और ये वाला डाटा निकल के आ रहा है मेरे पास 100, इवन मतलब यदि मुझे, इट्स नॉट 1000 इट इज 100,
इवन मुझे यदि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में भी जमाना होना तो बहुत सिंपल सा पार्ट हो गया। मैक्सिमम किस में होगा बेटा? थर्ड वाले में। फिर किस में होगा? फोर्थ वाले में। फिर किस में होगा? फर्स्ट वाले में। फिर किस में होगा? सेकंड वाले में। तो अकॉर्डिंग टू दिस यदि मैं बात करता हूं देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर टू। बिल्कुल देखो उसी फॉर्मूले पर बेस्ड क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया है कॉपर ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम वी इज ड्रॉन इनटू द वायर ऑफ लेंथ एल। When this wire is subjected to a constant force capital F, the extension produced in the wire is delta L. Wire में produced extension delta L. Which of the following graph is straight? कि एक wire है, volume V है, इसकी length L है, capital F force लगा है, तो इसकी length में increment delta L का हुआ, तो कौन सा graph इनमें से straight line वाला बनेगा? फिर देखो Young's modulus वाला formula अपने पास, F upon A delta L into L। देखो यहां से डेल्टा एल की वैल्यू अपन लिखें तो एफ अपॉन ए वाई इंटू में एल आ गई। देखो यदि वायर डिफॉर्म होगा तो एरिया भी बदलेगा और लेंथ भी बदलेगी। अपन ये चाहते हैं कि ग्राफ डेल्टा एल और एल के बीच में है, या तो एल है वन बाई एल है, वन बाई एल स्क्वायर है, एल स्क्वायर है, इनके बीच ग्राफ है, तो पहले इसको फिक्स्ड में कुछ बनाया जाए। जैसे ही मैं इसको ऊपर नीचे एल से मल्टीप्लाई करता हूं ना, ये वाली वैल्यू मेरे पास आ गया डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ एल स्क्वायर एरिया इनटू लेंथ, दैट व्हाट इज वॉल्यूम। तो यहां से सीधी सीधी बात ये होगी साहब कि आपका डेल्टा एल जो है ना वो प्रोपोर्शनल है किसके? एल स्क्वायर के, क्योंकि वॉल्यूम फिक्स है वायर का, यंग्स मॉडुलस फोर्स कॉन्स्टेंट है। तो ग्राफ जो बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा और किस किस के बीच बनेगा? डेल्टा एल और एल स्क्वायर के बीच बनेगा। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, टू के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर थ्री। The approximate depth of an ocean is 2700 meter. The compressibility of water is 45.4 × 10⁻¹⁻ Pascal inverse, and the density of water is 10⁻³ kg per meter cube. What fractional compression of water will be obtained at the bottom of the ocean? Or ocean ki depth diye 2700 meter ki. Ki ek ocean hai, uske bottom par फ्रैक्शनल चेंज देखना है हमें कि कितना ऑप्टेन होता है वॉल्यूम में, और डेंसिटी दे दी, डेप्थ दे दी, कंप्रेसिबिलिटी इनवर्स ऑफ बल्क मॉडुलस होता है। तो यदि मैं बल्क मॉडुलस वाले फॉर्मूले की बात करूं ना, फिर वही स्ट्रेस बाई स्ट्रेन होता है। इसका फॉर्मूला माइनस ऑफ डेल्टा पी डिवाइडेड बाई डेल्टा वी बाई वी होता है। यदि मैं पहले क्वेश्चन की बात करूं ना, तो मुझे यह निकालना है, सिंपल सी बात, और 1/b दैट वन इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, देखो इसमें दो चीजें हैं, ये डेल्टा पी जो है ना ये चेंज इन प्रेशर है, और डेल्टा वी बाई वी जो है ना ये चेंज इन फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम है। तो माइनस का साइन जो है ना वो एक्चुअली में बल्क मॉडुलस को प्लस बना रहा है, और वो कुछ चीजें भी डिनोट कर रहा है कि यदि आपका डेल्टा पी पॉजिटिव आता है तो डेल्टा वी बाई वी जो आएगा ना ये डाटा नेगेटिव आएगा। मतलब ये बता रहा है कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर देन द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, तो डेल्टा वी बाई वी जो आएगा वो नेगेटिव आएगा। बट यदि डेल्टा पी नेगेटिव है दैट मींस वी आर डिक्रीजिंग द प्रेशर, तो डेल्टा वी बाई वी का जो डाटा है ना दैट कम्स एज पॉजिटिव। मतलब आपने प्रेशर डिक्रीज किया देन द बॉडी विल एक्सपेंड, प्रेशर इंक्रीज किया देन द बॉडी विल कंप्रेस। तो इसके बेसिस पर बल्क मॉडुलस का फॉर्मूला माइनस ऑफ डेल्टा पी अपॉन डेल्टा वी बाई वी। चलिए हमें गिवन डाटा के बेसिस पर ये कैलकुलेट करके बतलाना है। तो डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस का साइन ये बतला रहा है दैट द बॉडी इज कंप्रेशन ड्यू टू इंक्रीमेंट इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर डेप्थ तक जाना है देन दैट डाटा इज रो जी एच और 1/b। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, 10³ जी की वैल्यू 10, एच की वैल्यू 2700, और बल्क मॉडुलस जो 1/b जो अपने को गिवन है दैट 1/b इज 45.4 × 10⁻¹⁻। यहां से यदि मैं डाटा कैलकुलेट करूंगा ना, तो ये वाला डाटा 1.2 × 10⁻², 1.2 × 10⁻², ये अपने पास फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम कैलकुलेट होकर आ रहा है। सोल्व किया हुआ है मेरा, तो यू कैन डू द कैलकुलेशनल पार्ट, बट द आंसर विल बी 1.2 × 10⁻²। ठीक बात है क्या? चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर फोर। देखिए फोर जो ना ये भी बल्क मॉडुलस पर बेस्ड क्वेश्चन है।
क्वेश्चन, सिंपल सा फंडा। पहले थ्योरेटिकल पार्ट की बात करूं, बल्क मॉडुलस की वैल्यू ये निकल के आती है डेल्टा वी बाई वी। अब इसमें थोड़ा सा एरर वाला पार्ट भी है, किसी भी बॉडी का वॉल्यूम जो है ना स्पेरिकल बॉडी का, दैट कैन बी रिटन एज 4/3 πr³। मतलब वॉल्यूम जो है वो रेडियस की पावर 3 के प्रोपोर्शनल होता है। तो यदि मैं डेल वी बाई वी की वैल्यू सोल्व करूंगा, एरर वाले पार्ट में अपन ने इस टाइप के क्वेश्चंस किए हुए हैं, डेल वी बाई वी इज फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम, और ये वाली वैल्यू मेरे पास 3 times ऑफ डेल आर बाई आर निकल कर आ रही है। मतलब वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज रेडियस के फ्रैक्शनल चेंज के 3 times के इक्वल होता है। चलिए सर क्वेश्चन की बात करें, द बल्क मॉडुलस ऑफ ए स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज बी, इफ इट इज सब्जेक्टेड टू ए यूनिफॉर्म प्रेशर पी, द फ्रैक्शनल डिक्रीज इन द रेडियस। कि एक पिंड है, एक बॉडी है जिसका बल्क मॉडुलस आयतन प्रत्यास्थता गुणांक बी है, मैं इस पर प्रेशर लगाऊं पी का, तो इसके वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज या रेडियस में, जैसे इसमें रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज पूछा गया, तो रेडियस में फ्रैक्शनल चेंज की वैल्यू क्या होगी। मैंने कहा ठीक है सर, देखिए इस वाले फॉर्मूले को वी कैन राइट लाइक दिस, डेल वी बाई वी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल पी डिवाइडेड बाई बी, और वॉल्यूम में फ्रैक्शनल चेंज दैट कैन बी रिटन एज 3 times ऑफ डेल्टा आर बाई आर, एंड दैट वन इज माइनस डेल पी डिवाइडेड बाई बी। तो यहां से यदि मैं बात करूं, डेल पी को पी बोला गया है, माइनस का साइन कि इफ यू आर इंक्रीजिंग द प्रेशर देन रेडियस इज डिक्रीजिंग, एंड इफ यू आर डिक्रीजिंग द प्रेशर देन रेडियस विल इंक्रीज, पर डेल आर बाई आर जो मेरे पास निकल के आ रहा है दैट वैल्यू कम्स एज पी बाई 3 बी। सो अकॉर्डिंग टू दिस थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। बढ़ाएं बात को आगे, चलिए सर क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। देखिए 5 में बोला गया है, टू वायर्स आर मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड हैव द सेम वॉल्यूम। दो वायर्स हैं सेम मटेरियल के बने हुए, सेम वॉल्यूम के हैं। द फर्स्ट वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया ए एंड द सेकंड वायर हैज अ क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a। लेंथ ऑफ द फर्स्ट वायर इज इंक्रीज्ड बाय डेल्टा एल ऑन अप्लाइंग ए फोर्स कैपिटल एफ। हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू स्ट्रेच द सेकंड वायर बाय द सेम अमाउंट। दो वायर हैं सेम मटेरियल के बने हुए हैं, दोनों का वॉल्यूम जो है ना वो भी सेम है। अच्छा, फर्स्ट वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कैपिटल ए है और सेकंड वाले वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया 3a है। हमने पहले वाले वायर पर फोर्स लगाया कैपिटल एफ का, तो उसकी लेंथ में इंक्रीमेंट है डेल्टा एल का। सेकंड वाले वायर पर सेम लेंथ इंक्रीमेंट के लिए व्हाट अमाउंट ऑफ फोर्स आई हैव टू अप्लाई, इसके बारे में बात करनी है। हमने कहा देखो जी, वही यंग्स मॉडुलस वाला फॉर्मूला, एफ अपॉन ए वाई एल, रिलेशन वही वॉल्यूम वाला, बट इस केस में लेंथ जो है ना, क्वेश्चन नंबर 2 अपन ने ऐसा ही किया था, इस केस में एरिया के रिगार्डिंग बात की गई है, तो वी कैन राइट इट लाइक डेल्टा एल इज इक्वल टू एफ ए एल अपॉन ए स्क्वायर वाई। मतलब आपका डेल्टा एल जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के। अच्छा, इस केस में हमें बात किसकी करनी है, फोर्स की, तो बाकी सारा डाटा कॉन्स्टेंट है ना, तो फोर्स को हम लोग प्रोपोर्शनल सीधा सीधा पुट कर सकते हैं। फॉर्मूले को देखो, दिस एरिया इनटू लेंथ, दिस वन इज वॉल्यूम, इसको वॉल्यूम से रिप्लेस किया, तो एफ इज इक्वल टू एफ वी अपॉन ए स्क्वायर वाई इज इक्वल टू डेल्टा एल। डेल्टा एल सेम चाहिए, मतलब एफ प्रोपोर्शनल है किसके, ए स्क्वायर के, एरिया स्क्वायर के। तो एफ टू अपॉन एफ वन, वी कैन राइट इट लाइक ए टू अपॉन ए वन का होल स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए टू, दिस वन इज 3। What is the value of a1? That one is a, और इसका स्क्वायर किया, a से a सही हो गया। f2 upon f1 is f, and this is 3 square, that one is 9. So in the second case, the required amount of force जो हमें चाहिए, that one is 9f. So according to this, fourth one is the correct answer. चलिए सर आगे बात करें। देखिए ये हमारे कुछ क्लासरूम सेंटर्स और टेस्ट सेंटर्स की जानकारी है, यदि आप सीएलसी से क्लासरूम्स के थ्रू जुड़ना चाहते हैं, तो इस साल जयपुर में भी हमने क्लासरूम स्टार्ट किया है, पिछले साल तक सीकर और अलवर थे। जयपुर में 2 centers हैं, तो टोटल मिलाकर 4 study centers हैं हमारे, जिनमें से 2 जयपुर में है, और बाकी ये जो नीचे टेस्ट सेंटर्स की जानकारी दी गई है, कोटा, बीकानेर, जोधपुर, दिल्ली और हिसार में, यहाँ हमारे टेस्ट सेंटर्स चल रहे हैं, यदि आप सीएलसी की टेस्ट सीरीज से जुड़ना चाहते हैं। तो
हमारे बैचेस जो हैं वो एक तो पहला बैच जो है सभी का 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है और उन्हीं का जो दूसरा फेज है वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहा है। मतलब फेज वन पहला बैचेस 6 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और सेकंड जो बैचेस हैं वो 20 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। तो इसमें जो कोर्सेज हैं वो टारगेट बैचेस के लिए 12th पास बच्चे, मेडिकल और जेई दोनों के लिए, फाउंडेशन कोर्सेज, 2-in-1 कोर्सेज, 11th और 12th क्लास जो 11th से 12th मूविंग बच्चे हैं या 9th से 10th मूविंग बच्चे हैं, उसके अलावा एनडीए में भी जो 11th से 12th मूविंग बच्चे हैं उनके बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। प्री फाउंडेशन में 6 से 10th क्लास तक के बच्चों के बैचेस जो है वो स्टार्ट हो रहे हैं 6 अप्रैल और 20 अप्रैल। डेट्स जो है वो सारे कोर्सेज के लिए सेम है। चलिए अपन लौटते हैं अपने डिस्कशन पे वापस, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है, व्हेन अ ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल एम इज सस्पेंडेड बाय अ लॉन्ग वायर ऑफ लेंथ कैपिटल एल, द लेंथ ऑफ द वायर बिकम्स कैपिटल एल प्लस स्मॉल एल। तो मेरे को कैलकुलेट करना है द इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन द एक्सटेंडेड वायर। देखिए बहुत सिंपल सा है, मैंने आपको इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बतलाया था, एक स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 1 में 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, तो मैं इसको लिख सकता हूं यू अपॉन वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम मतलब एनर्जी अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम को इधर भेजो, दिस कम्स एज 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। अब देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि मेरे पास ये एक वायर है और इस वायर में मैंने कैपिटल एम मास को हैंग किया है, इस वायर की जो लेंथ है वो कैपिटल एल है, मास को हैंग करते ही ये थोड़ा सा एक्सटेंड हो गया और एक्सटेंडेड ये जो लेंथ है दिस लेंथ इज स्मॉल एल। मुझे वायर में इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू बतलानी है कि सर कितनी होगी। देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूं स्ट्रेस की, स्ट्रेस कैलकुलेट किया जाता है फोर्स अपॉन एरिया से, फोर्स कितना है एमजी, एरिया कितना है ए, स्ट्रेन कितने का हुआ, स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ अपॉन द ओरिजिनल लेंथ, तो चेंज कितने का हो रहा है स्मॉल एल का, ओरिजिनल कितनी है कैपिटल एल। तो हमने कहा यू की वैल्यू 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, वैल्यू यहां से मेरे पास जो कैलकुलेट होकर आई That value comes as mg L by 2. This is the potential energy stored in the wire. वायर में जो इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर होगी, सिंपल सा फॉर्मूला 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम, कैलकुलेट कर लो, यू विल गेट योर आंसर। चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। That a wire of length capital L, area of cross section capital A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to capital L1. कि वायर की लेंथ ओरिजिनल L थी और चेंज होके L1 हो गई। When mass capital M is suspended from the free end, the expression of Young's modulus. देखिए बिल्कुल ऐसा सही क्वेश्चन है। लेंथ इंक्रीज होके L1 हो गई, तो L1 की वैल्यू यहां से डील करें तो क्या हुई कैपिटल L प्लस स्मॉल L। तो स्मॉल L को हम क्या लिख सकते हैं, बोले जी कैपिटल L माइनस L1 माइनस में L, ये हम पुट कर सकते हैं। वायर है मास एम हैंग किया, यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन चाहिए, बोले जी यंग्स मॉडुलस होता है स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ। तो वैल्यू सोल्व करने पर आ गई बेटा एम जी कैपिटल एल डिवाइडेड बाय ए L1 माइनस L, यहां से वी कैन फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ द वायर। तो अकॉर्डिंग टू दिस यदि मैं बात करता हूं देन सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए सर सेवंथ के बाद आगे बात करें, द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 8। ये मतलब अभी तक इलास्टिसिटी से जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन आ रहे थे, पिछले साल नीट 2022 में एक असर्शन रीजन का थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आया है, बाकी ये भी वैसे डाटा बेस्ड सही क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि द स्ट्रेचिंग ऑफ ए स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शियर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द स्प्रिंग। देखिए स्प्रिंग जो है, यदि हम इसके बारे में बात करें एंड वी आर अप्लाइंग फोर्स ऑन द स्प्रिंग, तो ऑब्वियसली स्प्रिंग में डिफॉर्मेशन होगा, उसका शेप डिफॉर्म होगा। और शेफ डिफॉर्म की यदि मैं बात करता हूं, तो शेफ डिफॉर्म वाली जो बात है, वी डील इट विथ सियर मॉडुलस। ये वाला एंगल थीटा निकल के आ रहा है, एफ अपॉन ए डिवाइडेड बाई थीटा, अपन इससे कैलकुलेट करते हैं। तो ऑब्वियसली किसी भी स्प्रिंग का जिसका सियर मॉडुलस ज्यादा होगा, उसमें सेम अमाउंट ऑफ फोर्स लगाने से डिफॉर्मेशन कम जनरेट होगा। तो ऐसे के लिए ऑब्वियसली स्प्रिंग कॉन्स्टेंट कम हो ज्यादा होगा, पे फोर्स ज्यादा लगाना पड़ रहा है, जिसका सीयर मॉडुलस ज्यादा ज्यादा सेम डिफॉर्म करने के लिए ज्यादा फोर्स चाहिए, तो उसका स्प्रिंग कांस्टेंट जो है वो भी ज्यादा रहेगा। तो किसी भी स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट जो है, वी डिटरमाइंड इट विद द हेल्प ऑफ सीयर मॉडुलस, अपरूपण गुणांक जो होता है उसी से इसे कैलकुलेट किया जाता है। पहला, सेकेंड स्टेटमेंट देखिए, that a coil of spring coil spring of copper has more tensile strength than a steel spring of same dimension, ये गलत बात है। tensile stress मतलब कितना ज्यादा force वो sustain कर सकता है break होने से पहले। तो same dimensions के case में copper और steel, इन दोनों में tensile strength जो होती है, that one is more for steel with respect to copper। तो assertion जो है ना, that is a correct statement, और reason जो है वो false, मतलब this one is true, this one is false। तो यहां से यदि मैं AR वाले questions में बात करूं, तो second answer जो है कि assertion जो है वो true है, और reason जो है इस question के लिए, that one is the false answer। चलिए सर, next question की बात करते हैं, 8th के बाद question number 9। देखिए question number 9 है, ये अभी तक के जो 8 questions हमने deal किए थे, ये मेनली इलास्टिसिटी के थे, और पर ईयर एक क्वेश्चन, 10 सालों में 8 क्वेश्चन आए हैं, तो पर ईयर अप्रोक्सीमेटली एक क्वेश्चन आ रहा है, और मेनली वो क्वेश्चन सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड, और या तो यंग्स मॉडुलस पे है या बल्क मॉडुलस पे है, और वो भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। आगे बात करते हैं, तो अगला पार्ट जो है उसमें सरफेस टेंशन को हमने इंक्लूड किया है। सरफेस टेंशन में पहला, सरफेस टेंशन का पहला वैसे अपनी सीरीज में 9th क्वेश्चन, The wettability of a surface by liquid depends on primarily on, देखिए wettability जो होता है ना, अपन ये बोलते हैं कि जैसे दो केसेस ले, है ना, मान लो मैंने इसके अंदर एक कैपिलरी ट्यूब डिप की, साथ में ही बात हो जाएगी। इसमें दो केसेस बनते हैं, एक तो ये वाला और एक डेप्थ वाला। चलिए इनको एक साथ डील कर लेते हैं, डेप्थ वाले को इधर वाली साइड बना लेते हैं। इधर भी सरफेस का नेचर अप्रोक्सीमेटली कुछ ऐसा होगा, थोड़ा सा कर्व लिया हुआ। अब यदि मैं इसकी बात करता हूं ना, ये हाइट एच, और इधर भी ये डेप्थ एच तक जाता है। वेटेबिलिटी जो है ना, कि यदि कॉन्टेक्ट एंगल ये वाला जो कॉन्टेक्ट एंगल, दिस वन इज द कॉन्टेक्ट एंगल थीटा, और इस वाले केस में दिस कॉन्टेक्ट एंगल इज मोर देन 90, दिस वन इज थीटा कॉन्टेक्ट एंगल। यदि कॉन्टेक्ट एंगल लिक्विड और सरफेस के बीच कॉन्टेक्ट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, देन वी से कि लिक्विड जो है वो ग्लास ट्यूब को वेट कर रहा है, गीला कर रहा है, जो भी ट्यूब है उसको। और यदि कॉन्टेक्ट एंगल मोर देन 90 डिग्री है, देन वी से कि वो उसे गीला नहीं कर रहा है। स्टेटमेंट सीधा, तो किसके बेसिस पर डिसाइड होता है, ये डिसाइड होता है बेटा, सेकंड वन जो प्राइमरी फैक्टर है, प्राइमरी फैक्टर इज कॉन्टेक्ट एंगल बिटवीन लिक्विड एंड द सरफेस, तो इसके अकॉर्डिंग सेकेंड आंसर करेक्ट आएगा। इसके अलावा देखिए, इस एच का जो फॉर्मूला होता है ना, वो अपन कैलकुलेट करते हैं 2t cos थीटा अपॉन आर रो जी से, और मेनली सरफेस टेंशन पर बेस्ड क्वेश्चन या तो इस फॉर्मूले से या 4t/r या 2t/r वाले फॉर्मूले से, एक जो सरफेस एनर्जी वाला फॉर्मूला है उससे आते हैं। तो इसके बेसिस पर कि कितनी हाइट तक जाएगा थीटा
जीरो से 90 तो हाइट बढ़ेगी, चीटा 90 से 180 के बीच है, तो कॉस थीटा विल बी नेगेटिव, इस केस में डेप्थ बतलाएगा। टी जो है वो लिक्विड का सरफेस टेंशन है, आर जो है वो कैपिलरी ट्यूब की रेडियस है, रो जो है वो डेंसिटी है जिस लिक्विड, इस लिक्विड जिसको अपने जो लिक्विड फिल कर रखा है, जी इज द ग्रेविटेशनल कॉन्स्टेंट। तो अपने क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट वन इज सेकेंड वन। चलिए देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था कि एक क्वेश्चन सरफेस एनर्जी पर बेस्ड आया हुआ है। क्वेश्चन क्या है बेटा, ए सर्टेन नंबर ऑफ स्फेरिकल ड्रॉप्स ऑफ ए लिक्विड ऑफ रेडियस आर कोलैप्सेस टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड वॉल्यूम वी। सरफेस टेंशन दे रखा है तो एनर्जी के बारे में पूछा गया है, रिलीज होगी या एब्सॉर्ब होगी। देखिए इस कंसेप्ट को जरा आराम से समझते हैं। यदि अपन मान लो किसी ट्यूबवेल से पानी के बारे में बात करते हैं ना, ट्यूबवेल से पानी आ रहा है किसी बड़े पाइप के थ्रू आ रहा है, जनरली ये जो वॉटर है दिस फील्स वॉर्म। घर में नल से जो पानी आ रहा है वो वॉर्म फील होगा, लेकिन शावर से जो पानी आ रहा है वो थोड़ा सा उसके कंपैरिजन में टेम्परेचर उसका डिक्रीज हुआ हुआ फील होता है, या फिर फवारों से जो पानी आ रहा है ट्यूबवेल वाला खेत में सिंचाई के टाइम, तो वहां वो पानी जो है ना वो थोड़ा सा ठंडा फील होता है। हम उसके रीजन के बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए है क्या कि यदि बड़ा ऑब्जेक्ट है, इस केस में एरिया होगा कम, एरिया क्या है कम है, यदि इसके अपन ने छोटे छोटे ड्रॉप्स बना दिए, जैसे इससे नल वाला जो पानी है शावर से आए, तो इस केस में सरफेस एरिया इंक्रीज होता है। अब सरफेस एनर्जी होती है सरफेस टेंशन इनटू में एरिया, तो एरिया कम है तो सरफेस एनर्जी जो होगी दैट वन इज ऑल्सो लो, बट इस वाले केस में एरिया ज्यादा है तो सरफेस एनर्जी जो होगी वो भी ज्यादा होगी। तो होगा क्या कि बॉडी अपनी थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सरफेस एनर्जी में। थर्मल एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है किसमें, सरफेस एनर्जी में, तो ऑटोमेटिकली बॉडी का सबस्टांस का टेम्परेचर क्या होगा, डिक्रीज। इसलिए ये जो शावर ड्रॉप्स हैं ये अपने को कोल्ड फील होती है। लेकिन इसके अपोजिट में अब सोचो, देखो उसमें रिलीज हो गया या अब्सॉर्ब होगा, ये सिंगल ड्रॉप्स बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप्स है, एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स मिलकर एक बिगर ड्रॉप का फॉर्मेशन करती है, तो उस सिचुएशन में एरिया डिक्रीज हो रहा है तो सरफेस एनर्जी भी डिक्रीज होगी, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। हमारे पास पहले से सरफेस एनर्जी ज्यादा है, बाद में कम है, तो एनर्जी क्या होगी, रिलीज। हो सकता है बॉडी खुद अब्सॉर्ब कर ले, खुद का टेम्परेचर बढ़ जाए, बट इस प्रोसेस में एनर्जी क्या होगी, रिलीज होगी। ठीक बात। अच्छा चलिए तो अपन एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स को लेकर बात करते हैं। देखिए वॉल्यूम तो वी बोला गया है, तो हम गए मान लो पहले एन नंबर ऑफ ड्रॉप्स थे, इनिशियल वॉल्यूम n इंटू 4/3πr³, एक बड़ी ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3πR³ एंड वी विल पुट इट इक्वल टू v। यहां से इन दोनों को सोल्व करें, 4/3π कैंसिल आउट हो गया, ये आया n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r एंड दैट वैल्यू इक्वल टू कैपिटल r। मुझे एनर्जी रिलीज चाहिए कितनी हुई, तो सर एनर्जी की वैल्यू जो आएगी इनिशियल एनर्जी t इंटू सरफेस एरिया, n नंबर ऑफ ड्रॉप्स है तो n इंटू 4πr², फिर हमारे पास एक बड़ी ड्रॉप बन गई तो t इंटू 4πR², यहां से यदि मैं बात करूं तो t इंटू 4π तो कॉमन आ गया, दिस वैल्यू कम्स एज nr² - R². अब देखिए सर यहां से एक काम करते हैं, कैपिटल R की वैल्यू पुट कर देते हैं, e कम्स एज t इंटू 4π, This one is nr³ upon small r, थोड़ा सजा के लिख रहा हूं इसमें, इसके प्लेस पर n की पावर 2/3 स्मॉल r स्क्वायर आएगा, जिसको r क्यूब में कन्वर्ट कर दिया, nr क्यूब मैंने कॉमन ले लिया, तो t इंटू 4π nr³, दिस वन इज 1/r माइनस, अब देखिए यहां n की पावर 2/3 है, आपने कॉमन n लिया ऊपर से, तो 1/3 ऊपर मल्टीप्लाई तो नीचे भी, तो 1 अपॉन n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r, और n की पावर 1/3 इंटू स्मॉल r ये वाली वैल्यू किसके इक्वल होती है, कैपिटल R के। अब इसको थोड़ा सा सजा के लिख दिया ताकि अपन इसे वॉल्यूम के फॉर्म में लिख सके,
दिस वन इज 1 अपॉन आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। अब देखिए ये वाला जो डाटा है दिस वन इज कॉल्ड वॉल्यूम, तो इस केस में जो एनर्जी रिलीज की वैल्यू आ रही है मेरे पास, दैट वैल्यू कम्स इज 3 VT 1 अपॉन स्मॉल आर माइनस 1 अपॉन कैपिटल आर। इसमें सिंपली बस इतना ही पूछा जाता है कि एनर्जी रिलीज होगी, एब्जॉर्ब होगी, कितने अमाउंट में होगी, एंड वी हैव टू कैलकुलेट दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है क्या सर? चलिए तो सर इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करूं तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 के बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें बोला जा रहा है ए रेक्टेंगुलर फिल्म ऑफ लिक्विड इज एक्सटेंडेड फ्रॉम 4 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर टू 5 सेंटीमीटर इंटू 4 सेंटीमीटर इफ द वर्क डन इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल द वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। हमने लिक्विड की फिल्म है उसको एक्सटेंड किया। देखिए यदि आप फिल्म को एक्सटेंड करते हैं ना तो एक चीज का ध्यान रखना, लिक्विड फिल्म ये है ना, ये दोनों साइड से एयर के साथ कॉन्टेक्ट में है, तो जब आप इसका एरिया लिख रहे होंगे ना तो सिंगल एरिया मत पुट कर देना, हमें इसके दोनों साइड का एरिया लेना है सर। सिंपल सी बात है, ठीक है। तो अब फिर वही सरफेस एनर्जी वाला क्वेश्चन कि सरफेस एनर्जी जो होती है वो टेंशन इनटू एरिया टू ए इनिशियल, फाइनल एनर्जीज टेंशन इनटू 2 टाइम्स ऑफ फाइनल एरिया। तो एनर्जी जो आई वो 2T इनटू फाइनल एरिया माइनस इनिशियल एरिया, और यही एनर्जी वर्क डन के बराबर होगी। क्या सिस्टम एक्सटेंड होना चाह रहा है तो आपने कितना वर्क डन परफॉर्म किया वो उसकी एक्स्ट्रा एनर्जी के फॉर्म में चला, मतलब जो एनर्जी बढ़ रही है उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। वर्क डन की वैल्यू 2 इंटू नाउ व्हाट इज द सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन इज 3 इंटू सॉरी वी हैव टू कैलकुलेट द टेंशन एरिया, दिस वन इज 5 इंटू 4 दैट इज 20 माइनस 4 इंटू 2 दैट वन इज 8 इंटू 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना, एंड दिस इज 3 इंटू 10 की पावर माइनस 4 जूल। ये तो गया, दिस टी कम्स एज 3 अपॉन दिस वन इज 12 इंटू 2 24 दैट इज 1/8, और 1/8 की वैल्यू जो होती है वो होती है 0.125 न्यूटन पर मीटर। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को, 11 के बाद द नेक्स्ट वन इज क्वेश्चन नंबर 12। ये उस फॉर्मूले पर बेस्ड है जिस पे अपन ने बात की थी ना, दैट एट इक्वल्स टू 2t cos theta अपॉन r rho g होता है। चलिए पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन में बोला जा रहा है थ्री लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो 1 रो 2 एंड रो 3 विथ रो 1 ग्रेटर देन रो 2 ग्रेटर देन रो 3 हैविंग द सेम वैल्यू ऑफ सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन सेम है, द राइज टू द हाइट इन द थ्री आइडेंटिकल कैपिलरीज द एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बारे में बोला गया है। ठीक है, तो ये बोला गया है कि लिक्विड जो है उनकी डेंसिटीज अलग अलग हैं, सरफेस टेंशन सेम है, सेम हाइट तक राइज करती है तीन आइडेंटिकल कैपिलरीज में, तो उनके कॉन्टेक्ट एंगल के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। देखिए यदि मैं हाइट के फॉर्मूले की बात करूं देन दैट वन इज 2t cos theta अपॉन r rho g। यहां से अपन बोल सकते हैं कि h को तो इधर भेज दें और रो की वैल्यू निकल आई 2t cos theta अपॉन एन आर एच जी, मतलब आपका cos theta जो है बाकी सब सेम है। देखो सरफेस टेंशन सेम बोला है, हाइट जिस तक जा रहा है वो सेम बोला है, आइडेंटिकल कैपिलरीज है मतलब रेडियस सेम है, मतलब cos theta जो है वो प्रोपोर्शनल है डेंसिटी के। सही है, अब सुनो डेंसिटी की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में कुछ ऐसी है, तो cos theta की इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में अकॉर्डिंग टू गिवन इंफॉर्मेशन कुछ ऐसी आएगी। सही है, लेकिन यदि मैं cos theta के ग्राफ की बात करता तो cos theta versus theta का ग्राफ जो है ना बेटा वो 0 से 90 में कुछ ऐसा होता है। अब 0 से 90 में ग्राफ होता है कुछ ऐसा, मतलब वैल्यू theta की वैल्यू लार्जर cos theta स्मॉलर होगा, तो theta की वैल्यू लार्जर है, ठीक है, cos theta की वैल्यू cos theta लार्जर दैट मीन्स थीटा स्मॉलर, स्मॉल एंगल्स के लिए वैल्यू ज्यादा, लार्ज एंगल्स के लिए वैल्यू कम। सो फ्रॉम यर वी कैन से कि थीटा 1 लेस देन थीटा 2 लेस देन थीटा 3। अच्छा, इसके अलावा ये बोला गया है कि सेम हाइट तक जा रहे हैं, डेप्थ तक नहीं, सेम हाइट तक जा रहे हैं, हाइट तक जा रहे हैं, इसका मतलब कॉन्टेक्ट एंगल 0 से 90 के बीच में आएगा, एच पॉजिटिव देना है, तो कॉन्टेक्ट एंगल 0 से 90 के बीच आएगा
तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं, अच्छा जीरो इंक्लूड और होगा वाटर वाला केस, वाटर और प्योर ग्लास और वाटर के लिए कॉन्टेक्ट एंगल 0 डिग्री होता है। तो ये वाला जो केस है, हमारा जो क्वेश्चन है, दैट विल सेटिस्फाई दिस आंसर। सो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यदि बात करें तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर आगे बढ़ाते हैं बात को। क्वेश्चन नंबर 13 में बोला जा रहा है, सोप बबल हैविंग ए रेडियस ऑफ 1 mm इज ब्लोन फ्रॉम अ डिटर्जेंट सॉल्यूशन हैविंग ए सरफेस टेंशन दिस। द प्रेशर इनसाइड द बबल इक्वल टू एट अ पॉइंट जेड नॉट बिलो द फ्री सरफेस ऑफ वाटर इन ए कंटेनर। जी की वैल्यू 10 लेनी है, डेंसिटी ऑफ वाटर गिवन है, जेड नॉट पूछा गया कि एक सोप बबल है, ठीक है, रेडियस 1 mm गिवन है, उसके इनसाइड में जो एक्सेस प्रेशर है और डेप्थ पर जो एक्सेस प्रेशर है उसके बारे में बतलाना है। तो हमें पता है कि किसी भी सोप बबल में, देखो ये वाला केस की यदि हमारे पास कोई सोप बबल है तो इस सोप बबल में एक्सेस प्रेशर जो होता है पी एक्सेस, इसकी वैल्यू दी जाती है 40/R से। यदि कोई लिक्विड है तो इसके अंदर एक्सेस प्रेशर, लिक्विड ड्रॉप के लिए एक्सेस प्रेशर जो है वो दिया जाता है 2T/R से। इसके अलावा यदि मैं किसी फ्लूड में बात करता हूं तो उस फ्लूड में एच डेप्थ पर प्रेशर की जो वैल्यू होती है वो होती है पी नॉट प्लस रो जी एच। तो एक्सेस प्रेशर कितना हुआ एच डेप्थ पर, दैट वन इज रो जी एच। ठीक बात। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 1 mm रेडियस के सॉप बबल के अंदर एक्सेस प्रेशर जेड नॉट डेप्थ के एक्सेस प्रेशर के बराबर है। दैट मींस 4T/R की वैल्यू जो है वो रो जी एच के बराबर है। 4, नाउ व्हाट इज द सरफेस टेंशन, 2.5 × 10^-2 डिवाइडेड बाय रेडियस 1 mm, तो 1 × 10^-3, डेंसिटी 10^3, Z10 एंड HS जेड नॉट, एंड वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जेड नॉट। अब देखो ये 4 × 2.5, दैट वन इज 10 × 10^-2 अपॉन 10^-3 × 10^+4, दैट इज द वैल्यू ऑफ जेड नॉट। यहां से देखे ना बेटा, ये 10^-2 है, -3 है, नीचे 10 बच गया और ऊपर 10^-1 बचा, मतलब वैल्यू जो बची दैट इज 1/100। ये जेड नोट की वैल्यू आ गई। देखो आप ऐसे लिख सकते हो, ऊपर 10^-1, नीचे +1, नीचे आया 10^+2 हो गया। तो 1/100 मीटर, और यदि मैं 1/100 मीटर को सेंटीमीटर में पुट करूंगा तो इन सेंटीमीटर आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विथ 100, तो डेप्थ जो निकल के आएगी ना मेरे पास, दैट वैल्यू कम्स एज 1 cm। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। तो उस क्वेश्चन में बात करें ना 13 में, तो 13 का जो फर्स्ट वाला आंसर है दैट इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या बोला जा रहा है। एक कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस आर इज इमर्स्ड इन वाटर एंड वाटर राइजेस टू ए हाइट एच। द मास ऑफ द वाटर इन द कैपिलरी ट्यूब इज 5 g। अनदर कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस 2R इज इमर्स्ड इन वाटर, द मास ऑफ द वाटर दैट विल राइज इन द ट्यूब इज। देखिए क्वेश्चन कुछ ऐसा है, यदि हम किसी लिक्विड कंटेनर में कैपिलरी ट्यूब को डिप करते हैं, कैपिलरी ट्यूब की रेडियस क्या है एच, और इसमें एच हाइट तक लिक्विड गया, तो अपन ये कहते हैं कि एच की वैल्यू होती है 2T cos θ अपॉन आर रो जी। मतलब अपन यहां से कह सकते हैं कि आर इंटू एच जो है दैट इज ए कॉन्स्टेंट वैल्यू, सही। दूसरी ट्यूब जो है ना बेटा, उसकी रेडियस 2R है, तो दूसरी ट्यूब में जो हाइट होगी लिक्विड की वो पहली ट्यूब के हाइट की, दूसरे वाली जो ट्यूब है उसमें लिक्विड की जो हाइट होगी वो पहले वाले ट्यूब की हाइट की हाफ होगी, पहली बात। दूसरा, मास के लिए यदि मैं बात करूं तो इसमें जो मास है वो डेंसिटी इंटू πr²h से दिया जाएगा, तो m डैश की वैल्यू डेंसिटी इंटू रेडियस इज 2R एंड दिस वन इज h/2। तो ये डाटा 2 times ऑफ रो इंटू πr² इंटू h आ रहा है।
फर्स्ट वाले केस में क्या बोला गया है कि जो मास जा रहा है हाइट पे उसका मास 5 ग्राम है, तो ये डबल है पहले वाले केस का। तो जो मास किसी हाइट तक जा रहा है सेकंड वाली ट्यूब में, दैट वन इज 10 ग्राम। तो अकॉर्डिंग टू दिस यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करते हैं देन फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 14 के बाद नेक्स्ट वाले की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15। If a soap bubble expands, the pressure inside the bubble, यदि एक soap bubble expand होता है तो उसके अंदर का excess pressure बतलाना है। हमने कहा भाई साहब soap bubble जो है उसके inside में excess pressure की value जो है वो हम लोग लिखते हैं 4T/R से। If soap bubble is expanding, that means radius is increasing. Radius is increasing, that means उसके inside में एक्सेस प्रेशर जो है दैट एक्सेस प्रेशर विल डिक्रीज। तो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ाते हैं बात को। तो यदि मैं यहां तक की बात करूं, अभी तक टोटल 15 क्वेश्चन हुए जिनमें से 8 इलास्टिसिटी के और 7 सरफेस टेंशन के। सरफेस टेंशन के भी जितने क्वेश्चन है वो सारे के सारे फॉर्मूला बेस्ड है, या तो एनर्जी वाला फॉर्मूला, या फिर एच इज इक्वल टू 2t cos theta upon r rho g वाला, या फिर एक्सेस प्रेशर सॉप बबल में 4t/r, लिक्विड ड्रॉप में 2t/r, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं। चलिए सर नेक्स्ट अपन फ्लूइड के बारे में बात करते हैं, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड विस्कोसिटी। क्वेश्चन नंबर 16 जो है ये नीट 2015 का क्वेश्चन है और ये बर्नौली इक्वेशन पर बेस्ड क्वेश्चन है। ए विंड विथ स्पीड 40 m/s ब्लोस पैरेलल टू द रूफ ऑफ ए हाउस, the area of the roof is 250 m², assuming that the pressure inside the house is atmospheric pressure, the force exerted by the wind on the roof and the direction of the force। pehle apan iske regarding theory ki baat karte hain fir question pe aayenge। dekhiye yadi same height ka case hota na, वैसे बर्नौली equation ये कहती है p plus half rho v square plus में rho g h is equals to constant होगा, प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, ये डाटा कांस्टेंट होगा। पहली बात, बर्नौली इक्वेशन जो है दैट वन इज बेस्ड ऑन एनर्जी कंजर्वेशन, कि बर्नौली इक्वेशन जो होती है वो एनर्जी कंजर्वेशन पर बेस्ड होती है। तीसरा, यदि मैं हाइट सेम लेता हूं तो प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर, ये डाटा जो आएगा ये कॉन्स्टेंट आएगा। देखिए इसके दो तीन एप्लीकेशंस हैं, जैसे एक तो एयरक्राफ्ट जो है, मतलब किसी प्लेस पर यदि वेलोसिटी ज्यादा है तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर ज्यादा है तो वेलोसिटी कम होगी। दो तीन एप्लीकेशंस हैं, जैसे हम रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे खड़े होते हैं तो रेलवे प्लेटफॉर्म्स पे पहले रेड टाइल्स होती है, फिर एक येल्लो टाइल होती है, फिर उसके बाद कोटा स्टोन है ना, कोटा स्टोन ऐसे नॉर्मली लगा दिया, ठीक है मजबूत होता है थोड़ा सा, बाकी रेड टाइल्स वाला जो जोन है ना दैट इज द डेंजर जोन, वी शुडंट बी स्टैंडिंग देयर। होगा क्या कि यदि ट्रेन अपने पास से क्रॉस करेगी तो ट्रेन के पास वाले एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी ज्यादा और हमारे पीछे के एयर मॉलिक्यूल्स की स्पीड होगी कम। हमारे पीछे स्पीड कम है मतलब प्रेशर क्या है ज्यादा, आगे स्पीड ज्यादा है मॉलिक्यूल्स की तो प्रेशर क्या है कम, तो वी विल फील ए नेट फोर्स टुवर्ड्स द ट्रेन। दूसरा, जैसे बड़ी बसें निकलती है ना, बड़े ऑब्जेक्ट जो होते हैं जैसे बसों की बात करते हैं, बसें पास से निकलती हैं तो वो एक दूसरे की तरफ ऐसे लगता है थोड़ा सा अट्रैक्शन फोर्स है क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी बढ़ गई, उधर बाहर वाली तरफ वेलोसिटी कम है, बीच वाले जो एयर मॉलिक्यूल्स हैं उनकी वेलोसिटी ज्यादा है, तो नेट फोर्स उन दोनों ऑब्जेक्ट्स की कंप्रेस करते हुए लगेगा। ये वाला जो केस है ना, ये जैसे टिन सेट के जो हाउसेस बने हुए होते हैं ना उनमें क्या किया जाता है, वॉल में जैसे मान लो ये वॉल है, यहां पर होल्स रखे जाते हैं प्रॉपरली, और उन होल्स को रखे जाने का रीजन ये है, यदि होल्स नहीं रखे जाएंगे तो ऊपर से हाई स्पीड विंड क्रॉस करेगी आंधी के टाइम, नीचे से स्पीड कम होगी, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है तो ऊपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, मतलब ऊपर का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम रहेगा और नीचे का प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा रहेगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर रहेगा। सो देयर विल बी अपलिफ्ट फोर्स ऑन द रूफ, यदि वो रूम में होल्स बना दिए जाएंगे तो प्रेशर मेंटेन्ड हो जाएगा तो अपलिफ्ट फोर्स नहीं लगेगा, और ये क्वेश्चन इसी बात पर बेस्ड है। बोला ये गया है कि रूफ का एरिया 250, ठीक है, इधर से एयर जा रही है 40 m/s से, नीचे
प्रेशर इन्वायरमेंटल प्रेशर के बराबर है। तो हमने कहा देखो ऐसा है, मान लो ये पॉइंट वन है, ये पॉइंट टू है, तो पी वन प्लस हाफ रो वी स्क्वायर तो जीरो, पी टू प्लस हाफ रो वी टू स्क्वायर, तो दोनों पॉइंट्स के बीच का जो प्रेशर डिफरेंस है वो 1 बाई टू इंटू डेंसिटी 1 बाई टू इंटू 40 इंटू 40 है, 20 टाइम्स कटा, ये पॉइंट गया 24 इंटू में 4, दैट वन इज 96। प्रेशर डिफरेंस जो मेरे पास निकल के आ रहा है दैट वैल्यू इज कमिंग एज 960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। फोर्स लगेगा किधर? अपवर्ड। वैल्यू कितनी होगी? प्रेशर डिफरेंस आपके पास 960 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। तो यहां से यदि मैं फोर्स की बात करूंगा दैट वन इज 960 इंटू में 250, तो इससे दो जीरो तो रख लिया अपन ने, 15 225 इंटू 15 दैट वन इज 240, 1 2 3 4 5, सो द वैल्यू इज 2.4 इंटू 10 रेस टू द पावर 5 न्यूटन का फोर्स लगेगा एंड दैट फोर्स विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन। सो फॉर दिस क्वेश्चन फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 16 के बाद नेक्स्ट वन की बात करते हैं, 17। द टू नॉन मिक्सिंग लिक्विड्स ऑफ डेंसिटीज रो एंड एन रो आर पुट इन ए कंटेनर, द हाइट ऑफ ईच लिक्विड इज एच, ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ लेंथ एल एंड डेंसिटी डी इज पुट इन दिस कंटेनर, द सिलेंडर फ्लोट्स विद द एक्सेस वर्टिकल एंड लेंथ पीएल पी लेस देन वन इन द डेंसर लिक्विड, और हमसे लिक्विड की डेंसिटी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी पूछी गई है। चलिए पहले तो इससे रिगार्डिंग थ्योरी डील करते हैं। इफ ए ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन ए फ्लूइड देन इट विल एक्सपीरियंस ए बायोन्सी फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, और इस बायोन्सी फोर्स की वैल्यू जो होती है ना बेटा दैट इज वी इन इंटू रो लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव, वी इन इंटू रो लिक्विड इंटू जी इफेक्टिव। वी इन मतलब बॉडी का कितना वॉल्यूम लिक्विड के इनसाइड में है, सही बात है। यदि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो बॉडी जो होगी वो लिक्विड में कंप्लीटली सबमर्ज हो जाएगी। यदि बॉडी की डेंसिटी लिक्विड की डेंसिटी से कम होगी तो बॉडी जो है वो लिक्विड में फ्लोट करेगी, ठीक बात। इस वाले केस में mg हमेशा fb के इक्वल होगा, सही है। अच्छा अब देखो हमारे वाले केस में क्या है कि इस कंटेनर में दो लिक्विड्स हैं और उनके बीच में एक ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे फ्लोट कर रहा है, हियर इज लिक्विड वन और दूसरा लिक्विड है यहां। ऑब्वियसली देखिए ये डेंसर लिक्विड और ये रेयरर लिक्विड। अब क्वेश्चन में जो बोला गया है डेंसर लिक्विड में इसकी लेंथ जो है ना वो दी गई है पीएल, ये वाली लेंथ पीएल है तो ये वाली लेंथ क्या होगी, सॉरी ये वाली यहां तक की, दिस लेंथ विल बी एल माइनस पीएल। अच्छा अब देखो बायोन्सी फोर्स हमेशा अपवर्ड लगेगा, इस वाले केस में बायोन्सी फोर्स जो है दैट विल एक्ट इन अपवर्ड डायरेक्शन, बॉडी इज फ्लोटिंग, तो mg टोटल fb के बराबर होगा, बॉडी का वेट बराबर fb1 प्लस fb2। मैंने कहा बॉडी की लेंथ तो l दी गई, क्रॉस सेक्शन एरिया a ले लो, तो मास लिखा जाएगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। बायोन्सी फोर्स पहले वाले के लिए v इन तो एरिया इंटू लेंथ इंटू में लिक्विड की डेंसिटी एन रो इंटू जी। बायोन्सी फोर्स क्या होता है वी इन इंटू लिक्विड की डेंसिटी इंटू में जी, प्लस दूसरे के लिए एरिया तो वही है लेंथ होगी बेटा एल माइनस पी एल लिक्विड की डेंसिटी रो इंटू में जी। अब देखो यहां से ए एल जी ए एल जी ए एल जी, ये तो सही हो गया। इधर मेरे पास बचा डी और इधर वाला डाटा मेरे पास बचा एन रो पी प्लस में ये वाला डाटा बचा रो माइनस में रो पी। अब इन दोनों से मैं रो पी कॉमन ले लूं, पूरे से रो कॉमन लिया, इन दोनों से मैंने पी कॉमन लिया, तो ये डाटा बचा एन माइनस वन साथ में प्लस का वन। दिस इज द डेंसिटी ऑफ बॉडी, मतलब बॉडी फ्लोटिंग है ना यदि,
तो एमजी एफ बी के इक्वल होगा। यदि बॉडी फ्लोटिंग है तो एमजी किसके इक्वल होगा? एफ बी के इक्वल होगा। दो फ्लूड्स हैं तो एफ बी वन प्लस एफ बी टू के इक्वल होगा। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करता हूं तो ये वाला जो आंसर है मेरा थर्ड वन, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर 17 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। पहले इसके रिगार्डिंग थ्योरी की बात करते हैं, फिर ये क्वेश्चन बहुत आसानी से हो जाएगा, सिंपल सा। देखो यदि किसी YouTube में, जो YouTube तुम लोग यूज कर रहे हो उसकी बात नहीं कर रहा हूं मैं ना, इस वाली YouTube की बात कर रहा हूं, दो लिक्विड्स हैं, एक लिक्विड ये वाला और दूसरा लिक्विड ये वाला, ठीक है। मैंने कहा ये वाली हाइट इसकी इधर है h1, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट लगेगा इसमें, और ये वाली हाइट जो है इसकी h2। जो पॉइंट एयर के साथ कांटेक्ट में, जैसे ये वाला 1 वाला और ये 2 वाला, दोनों ही एयर के साथ कांटेक्ट, तो इन दोनों ही पॉइंट्स का प्रेशर जो होता है P1 और P2, ये दोनों का प्रेशर P नोट के बराबर होगा। अच्छा पॉइंट 3 यहां वाला और पॉइंट 4 ये वाला, 3 और 4 एक ही फ्लूड में, स्टैटिक फ्लूड में, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल के पॉइंट्स है सेम फ्लूड में, तो पॉइंट 3 और पॉइंट 4 का प्रेशर होगा सेम। तो यहां से यदि मैं बात करता हूं ना डेप्थ पर, तो पॉइंट 3 का प्रेशर होगा पी नोट प्लस रो 1 जी h1, इसकी डेंसिटी रो 1 कर देता हूं, इसकी डेंसिटी रो 2। 4 का प्रेशर होगा पी नोट प्लस रो जी h2, रो 2 जी h2, पी नोट गया, रो 1 जी h1, रो 2 जी h2 के बराबर आया। तो यहां पर मेरे पास रो 1 h1 जो है वो रो 2 h2 के बराबर आ गया, रो 1 h1 रो 2 h2 के बराबर आ गया। मतलब जिस फ्लूड की डेंसिटी कम उसकी हाइट ज्यादा, जिसकी डेंसिटी ज्यादा उसकी हाइट कम। तो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं बात करें तो हमारे वाले केस में ये जो डाटा हमें दिया गया है वो कुछ इस टाइप का दिया गया है। इधर वाले फ्लूड की हाइट है 140 mm और इधर वाले फ्लूड की हाइट है 130 mm। चेंज होने से पहले बात को छोड़ दो, सीधा वहीं पहुंचो। क्वेश्चन क्या है कि एक यूट्यूब है विद बोथ एंड्स ओपन टू एटमोस्फेयर एंड पार्शियली फिल्ड विद वाटर। Oil which is immiscible with water is poured into one side until its standard distance 10 mm above the water level on the other side. Meanwhile, the water rises by 65 mm from the original level. और हमें डेंसिटी बतलानी है किसकी? ऑयल की। तो हमने कहा सर देखो डेंसिटी ऑफ ऑयल इंटू हाइट ऑफ ऑयल 140 mm, डेंसिटी ऑफ वॉटर इंटू हाइट ऑफ वॉटर, दिस वन इज 65, दिस वन इज 65, दिस वन इज 130 mm, mm तो गया बेटा, तो ऑयल की डेंसिटी आ गई रो वॉटर इंटू 13/14। देखिए ऐसे क्वेश्चन में एक दफा जरा आंसर को घूर घूर के देख लो। वॉटर की डेंसिटी होती है 1000, तो 1000 से छोटा सा छोटा वाला डाटा होगा क्योंकि 13/14, 1/14 वाला पार्ट मूव हुआ है, तो थोड़ा सा छोटा डाटा। बाकी कैलकुलेशन करके देख लो, 1000 × 13/14 आंसर विल बी 928 kg/m³। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करें, 18 के बाद 19 देखिए। टू कॉपर वेसल्स ए एंड बी हैव द सेम बेस एरिया बट डिफरेंट शेप्स, शेप्स अलग अलग है। ए टेक्स ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ वॉटर एज बी रिक्वायर्ड टू फिल अप द पर्टिकुलर कॉमन हाइट, देन द करेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज। मतलब क्या है कि दो कंटेनर है, जैसे मैंने कहा कॉपर का एक कंटेनर है ये, और दूसरा कंटेनर जो है वो है ऐसा बी, सही है, बेस एरिया सेम है। यदि मैं सेम हाइट तक फिल करता हूं दोनों में लिक्विड, तो इसमें मास डबल है, मतलब वेट भी लिक्विड का क्या हो जाएगा? डबल। लेकिन यदि हाइट सेम है, वर्टिकल हाइट सेम, स्टैटिक फ्लूड में सेम वर्टिकल हाइट पर प्रेशर सेम होता है, तो दोनों में ही बॉटम पर प्रेशर जो होगा
दैट विल बी पी नॉट प्लस रो जी एच, मतलब दोनों के बॉटम पर प्रेशर की वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। चलिए ऑप्शन से बात करते हैं। बोथ वेसल्स ए एंड बी वेट द सेम, नहीं अलग अलग करेंगे, ए में लिक्विड ज्यादा है। वेसल बी वेट्स ट्वाइस दैट ऑफ ए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ए में अमाउंट ज्यादा है। तीसरा, प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल ए एंड बेस एरिया ऑफ प्रेशर वेसल बी इज सेम, बिल्कुल सही बात है सर, थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। फोर्थ कह रहा है प्रेशर ऑन द बेस एरिया ऑफ वेसल ए एंड बी इज नॉट सेम, बेस एरिया पर ए और बी का प्रेशर सेम नहीं है। नहीं सर, गलत बात है, ए और बी दोनों के ही बेस पर प्रेशर की वैल्यू जो है दैट इज सेम। चलिए सर 19 के बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। देखिए 20 में क्या कहा जा रहा है कि दैट ए स्मॉल स्पीयर ऑफ रेडियस स्मॉल आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड, एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू विस्कस फोर्स, द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट व्हेन द स्पीयर अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी इज प्रोपोर्शनल टू। देखिए यदि मैं सबसे पहले इसके रिगार्डिंग थ्योरी की बात करता हूं कि किसी फ्लूड में यदि कोई ऑब्जेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट फॉल हो रहा है तो उस पर उसकी वेलोसिटी के, इफ ए ऑब्जेक्ट स्पेरिकल ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन ए फ्लूड देन इन दैट फ्लूड ए विस्कस फोर्स इज अप्लाइड ऑन द बॉडी बाय द फ्लूड और उसकी वैल्यू वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में और वैल्यू होती है 6 pi eta r v। तो शुरू में जैसे हमने छोड़ा इस पर mg फोर्स लग रहा है और इधर इस पर बायोन्सी फोर्स fb लग रहा है, गिरना स्टार्ट होगा, कुछ डिस्टेंस गिरने के बाद मान लो स्पीड वी आ गई तो वेलोसिटी की अपोजिट डायरेक्शन में 6 pi eta r v फोर्स लगता जाएगा। यस, लगेगा। जब तक ग्रेविटेशनल फोर्स इन दोनों के समेशन से ज्यादा होगा तब तक बॉडी का एक्सेलरेटेड मोशन होगा एंड इट विल फॉल विथ इंक्रीजिंग स्पीड, लेकिन बाद में जब ये फोर्स ये दोनों का समेशन इसके बराबर हो जाएगा, इन दैट सिचुएशन आफ्टर दैट केस बॉडी विल फॉल विथ टर्मिनल वेलोसिटी और यहां पर मेरा mg fb प्लस fv के इक्वल आएगा। तो यहां से इस वेलोसिटी को वी फॉल दिस वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी, ये दोनों बराबर हो गए तो ये फॉल करेगा कांस्टेंट वेलोसिटी से, इसके बाद वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा और टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू मेरे पास निकल कर आती है। देखिए बॉडी का मास वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ बॉडी इनटू में जी, बायोन्सी फोर्स वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू जी 6 pi eta r v t। तो यहां से सोल्व करोगे 2 r² रो बॉडी माइनस में रो लिक्विड डिवाइडेड बाई 9 eta इंटू जी, दैट वन इज द टर्मिनल वेलोसिटी फॉर दिस बॉडी। ठीक बात, सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां से हम बात करते हैं कि सर ये जब टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल हो रहा है तो हीट प्रोडक्शन की रेट जो है, जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल हो रहा है तो हीट प्रोडक्शन की रेट जो है वो क्या होगी। हमने कहा सर जब ये टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल करेगा तो विस्कस फोर्स जो लगेगा, स्मॉल स्पीयर ऑफ रेडियस आर फॉल्स फ्रॉम रेस्ट इन ए विस्कस लिक्विड एज अ रिजल्ट हीट इज प्रोड्यूस्ड, फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर, मेरे को ध्यान है इसलिए मैंने लगा दिया और क्या है। द रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट इन द स्पीयर अटेन्स द टर्मिनल वेलोसिटी, जब स्पीयर टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है तो रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ हीट क्या होगी। देखिए इस सिचुएशन में क्या होगा, हमने कहा सर एक फोर्स mg इधर लग रहा है, fb इधर लग रहा है और fv इधर लग रहा है। हीट किसकी वजह से प्रोड्यूस होगी, विस्कस फोर्स की वजह से। विस्कस फोर्स की वैल्यू किसके इक्वल होगी, mg माइनस fb के। वैल्यू पुट करते हैं, mg इज 4 by 3 pi r³, रो बॉडी माइनस रो लिक्विड, मैंने बायोन्सी फोर्स की वैल्यू साथ साथ पुट कर दी। तो आपका विस्कस फोर्स जो है दैट विस्कस फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू r³, पहली बात तो ये। दूसरा, टर्मिनल वेलोसिटी जो अभी अपन ने निकाली थी वो टर्मिनल वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। तो हीट प्रोडक्शन की जो रेट होगी दैट वन इज कॉल्ड पावर, तो fv इनटू t एंड दैट वैल्यू इज प्रोपोर्शनल टू रेडियस रेज टू द पावर 5। सो अकॉर्डिंग टू दिस फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर। बोलो ठीक है क्या, रेडियस के साथ रिलेशन आइडेंटिफाई करना था, पहले विस्कस फोर्स निकालो, वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्वेश्चन विल बी सॉल्व।
चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं 20 के बाद 21। ए स्मॉल होल ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 2 mm² इज प्रेजेंट नियर द बॉटम ऑफ ए फुल्ली फिल्ड ओपन टैंक ऑफ हाइट 2 meter। ये एक ओपन टैंक है जिसकी हाइट है 2 meter, जी की वैल्यू 10 लेनी है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर ओपन होल से रेट ऑफ फ्लो ऑफ वॉटर कैलकुलेट करना है। देखिए दो चीजें हैं, एक तो वॉल्यूम फ्लो रेट पहला, तो किसी भी ट्यूब से यदि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया ए है और वी स्पीड से वॉटर फ्लो कर रहा है तो वॉल्यूम फ्लो रेट दैट वन इज एरिया इनटू वेलोसिटी एंड दिस वन इज द इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी। देखो रियल फॉर्म तो इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी डीएम बाई डीटी कॉन्स्टेंट होता है ना, इसमें ठीक है डेंसिटी कॉन्स्टेंट लेंगे तो ए वन वी वन इज इक्वल टू ए टू वी टू, नॉट ऑलवेज नेसेसरीली पर यहां ठीक है। तो वॉल्यूम फ्लो रेट होगी एरिया इनटू वेलोसिटी। दूसरा यदि मैं वेलोसिटी ऑफ एफ्लक्स की बात करता हूं कि किसी कंटेनर में यदि कोई फ्लूड है जिसकी डेप्थ यहां से एच है तो यहां से निकलने वाले फ्लूड की वेलोसिटी जो होती है वो रूट 2gh होती है। दूसरा ये जितनी डिस्टेंस पर जाके स्ट्राइक करता है वो रूट 2y कैपिटल एच माइनस वाई के इक्वल होता है, जहां कैपिटल एच कंप्लीट फ्लूड की हाइट है। तीसरा एक बड़ा फेमस सा क्वेश्चन है कि यदि यहां से कोई होल और यहां से कोई होल, मतलब मैंने कहा ये डिस्टेंस है ए और ये वाली डिस्टेंस भी है ए, सेम हाइट फ्रॉम द टॉप और सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम है तो फ्लूड की रेंज जो होगी दैट रेंज विल बी सेम। मैक्सिमम रेंज तब होती है व्हेन द होल इज एट द मिडल पॉइंट। चलिए अब अपने थ्योरेटिकल पार्ट कंप्लीट, नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्रॉस सेक्शन एरिया 2 mm² दिया हुआ है और फुल्ली फिल्ड है, ओपन टैंक है, हाइट 2 meter है, तो स्पीड कितनी हुई रूट 2gh, h की प्लेस पर 2 पुट करना है, g के प्लेस पर 10 पुट कर देते हैं सो दैट वैल्यू कम्स एज 2√10 और एरिया गिवन है 2 mm² इंटू 10⁻⁶। यहां से सोल्व करेंगे तो वॉल्यूम फ्लो रेट एरिया इंटू वेलोसिटी 2 × 10⁻⁶ इंटू में 2√10 वैल्यू निकल आएगी अप्रोक्सीमेटली 12.6 × 10⁻⁶ m³/s। ठीक बात है क्या? तो इसके अकॉर्डिंग यदि अपन करेक्ट आंसर की बात करें देन थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास कैपिटल एम एंड डेंसिटी डी व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम। फिर वही विस्कोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चन है, तो अपन यदि देखें ना तो विस्कोसिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस और वो भी सिंपली टर्मिनल वेलोसिटी वाला जो पार्ट है उस पर बेस्ड क्वेश्चंस के नंबर जो है वो ज्यादा है। तो द वेलोसिटी ऑफ ए स्मॉल बॉल ऑफ मास कैपिटल एम एंड डेंसिटी डी व्हेन ड्रॉप्ड इन ए कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम्स कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम, कि कुछ टाइम के बाद वो टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल होने लगता है। इफ डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज डी बाई 2 देन द विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी, बॉल पर विस्कस फोर्स बतलाना है। हमने कहा भी यदि टर्मिनल वेलोसिटी से फॉल हो रहा है इधर लगेगा mg, इधर लगेगा fb और इधर लगेगा fv, तो विस्कस फोर्स आया mg माइनस में fb माइनस में fv इंटू रो लिक्विड इंटू में g। मास को लिख सकते हैं, वॉल्यूम को मास अपॉन डेंसिटी, तो डी से डी सही हो गया। ये वाली वैल्यू जो मेरे पास निकल के आ रही है दैट वैल्यू इज कमिंग एज mg बाई 2, तो इस सिचुएशन में लगने वाले विस्कस फोर्स की वैल्यू जो होगी बॉल पर दैट वैल्यू विल बी mg बाई 2, सो अकॉर्डिंग टू दिस फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। चलिए सर क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, सेम टू सेम उसी फॉर्मूला पर बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर फ्लूइड मैकेनिक्स एंड विस्कोसिटी इज द स्टोक्स फॉर्मूला 6 πe ηrb और टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला। देखो 2r² रो बॉडी माइनस रो लिक्विड इंटू जी डिवाइडेड बाई 9 η। क्वेश्चन नंबर 23 में बोला जा रहा है द टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ ए कॉपर बॉल ऑफ रेडियस 5 mm
फॉलिंग थ्रू ए टैंक ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड. इफ द विस्कोसिटी ऑफ ऑयल एट रूम टेम्परेचर इज 0.9 केजी पर मीटर पर सेकेंड, द विस्कस ड्रैग फोर्स पूछा गया है. बॉल है जिसकी रेडियस 5 mm है, टर्मिनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड से गिर रही है, और विस्कस ड्रैग फोर्स. हमने कहा जी सर विस्कस ड्रैग फोर्स की वैल्यू 6 pi eta rv से दी जाती है. 6 pi इज 3.14 एंड eta इज 0.9. नाउ द रेडियस इज 5 mm, 5 × 10⁻³ एंड द टर्मिनल वेलोसिटी 10 सेंटीमीटर पर सेकेंड, दैट कैन बी रिटन एज 0.1 मीटर पर सेकेंड. तो यदि अपन इसको डाटा पुट करके सोल्व करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर आएगा, वैल्यू कैलकुलेट कर लो, आई हैव कैलकुलेटेड इट प्रीवियसली, तो इसका जो करेक्ट आंसर आ रहा है दैट आंसर इज 3rd one. बोलो ठीक बात है. चलिए सर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 24. चलिए सर, तो क्वेश्चन नंबर 24 में बोला जा रहा है ए स्पेरिकल बॉल इज ड्रॉप्ड इन ए लॉन्ग कॉलम ऑफ हाईली विस्कस लिक्विड. हाईली विस्कस लिक्विड है और लॉन्ग कॉलम है, दैट मीन्स आफ्टर सम टाइम इट विल अटेन द टर्मिनल वेलोसिटी. ठीक है जी. द कर्व इन द ग्राफ शोन विच रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द बॉल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. फंक्शन ऑफ टाइम के फॉर्म में कौन सा स्पीड ऑफ बॉल को रिप्रेजेंट करेगा? देखिए टर्मिनल वेलोसिटी कुछ टाइम तक हमने कहा कि mg जब तक ज्यादा होगा तब तक इट विल टिल दैट मोमेंट इट विल फॉल विद कांस्टेंट वेलोसिटी, सॉरी इंक्रीजिंग वेलोसिटी, एंड आफ्टर दैट जब mg fb प्लस fv के इक्वल हो जाएगा आफ्टर दैट इट विल मूव विद कांस्टेंट वेलोसिटी. तो इसका जो ग्राफ है चाहे डिस्टेंस ले लो चाहे टाइम ले लो, इट विल इंक्रीज, फर्स्ट इट विल इंक्रीज, फोर्स डिक्रीज होता जाएगा, फाइनली नेट फोर्स जीरो हो जाएगा एंड द बॉडी विल फॉल विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी. देखिए फिर से वही क्वेश्चन उसी फॉर्मूला पर बेस्ड, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन द फ्लूइड मैकेनिक्स इज विस्कोसिटी. तो इसका जो आंसर मेरे पास आएगा दैट सेकेंड वन बी पार्ट जो है दैट वन इज द करेक्ट आंसर. चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं. नीट 2014 में आया हुआ एक बायोन्सी फोर्स का क्वेश्चन है. ए बैलून विथ मास स्मॉल m इज डिसेंडिंग डाउन विथ एन एक्सेलरेशन a, वेयर a लेस देन g. हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विथ एन एक्सेलरेशन a. देखिए बस इसमें एक चीज, एक इंफॉर्मेशन होती ना तो ये क्वेश्चन बहुत सुंदर होता कि बैलून का वॉल्यूम कॉन्स्टेंट माना गया है. मतलब पहले सिचुएशन ऐसी है, वॉल्यूम कॉन्स्टेंट होगा तो बायोन्सी फोर्स v इन इंटू रो लिक्विड इंटू g होता है वो कॉन्स्टेंट रहेगा. इस ऑब्जेक्ट पर mg लग रहा है इधर, f भी लग रहा है इधर एंड दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग डाउनवर्ड्स विद एन एक्सेलरेशन a. हमने क्या किया, कुछ मास रिमूव कर दिया. बायोन्सी फोर्स में तो चेंज नहीं हुआ. मान लो m' मास आपने रिमूव किया तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया ये एंड नाउ दिस ऑब्जेक्ट इज मूविंग अपवर्ड्स विद द सेम एक्सेलरेशन. यदि मैं यहां से बात करूं ना, देखो तो mg माइनस fb किसके इक्वल आएगा, ma के. पहली इक्वेशन ये आ गई. यदि मैं यहां से बात करूं, अब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन तो अपवर्ड फोर्स पॉजिटिव डाउनवर्ड फोर्स नेगेटिव. पहले क्या था, ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन तो डाउनवर्ड फोर्स पॉजिटिव अपवर्ड फोर्स नेगेटिव. वैल्यू आ गई मेरे पास fb माइनस में mm'z इज इक्वल टू m माइनस m' इनटू a. थोड़ा सा सजा के लिखते हैं, mg माइनस fb प्लस m'z इक्वल टू ma माइनस m'a. आपका mg माइनस fb ma के इक्वल है तो fb माइनस mg किसके इक्वल होगा, सही है क्या सर, माइनस ma के रख दो, माइनस ma प्लस m'z इक्वल टू ma माइनस m'a. m' वाले टर्म को उधर ले आते हैं, ma वाले टर्म को इधर ले आते हैं तो m'z प्लस m'a इक्वल टू एम ए प्लस एम ए, दैट वन इज टू एम ए. तो जो रिमूव्ड मास आपने जो रिमूव किया है दैट वैल्यू कम्स एज टू एम ए डिवाइडेड बाई जी प्लस ए. तो यदि अपन अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग बात करें तो फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर. ओके डियर, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस डिस्कशन. यदि ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें तो इलास्टिसिटी पर यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस और एक पोटेंशियल एनर्जी वाला जो फॉर्मूला है उन पर बेस्ड क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं. दूसरा, यदि मैं सरफेस टेंशन वाले में बात करूं तो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस
सॉप बबल, लिक्विड ड्रॉप, एनर्जी वाला फॉर्मूला, उसके अलावा हाइट वाला जो केस है वहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। फ्लूड मैकेनिक्स और विस्कोसिटी में ओवरऑल बात करें तो एक तो बायोन्सी फोर्स पर क्वेश्चन आते हैं, दूसरा विस्कोसिटी पर स्टोक्स लॉ वाला जो है अपना जो स्पेरिकल ड्रॉप के लिए पढ़ते हैं उस पर बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। चलिए, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड इन दिस डिस्कशन। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।